नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदा गर्ल्स शहनाज। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बॉम्बे की नाइट लाइफ। और उसके लिए पहले मुझे रेडी होना पड़ेगा, और मैं रेडी होने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बताते जा रही हूँ क्या दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस, पहले बताती हूँ, मैं रहती हूँ अंधेरी वेस्ट बरशोआ की साइड, और बरशोआ पे आपका रहते हैं आशिम रियाज। तो आशिम रियाज जरूर आप लोग जानते हो। तो आशिम रियाज ऐसा एक बंदे है जो मतलब नामुमकिन को मुमकिन किया है। एक नॉर्मल हमारे जैसा बंदा जो जम्मू एंड कश्मीर से आके बॉम्बे में एक अलग पहचान बनाना इतनी आसान नहीं है, और उन्होंने करके दिखाई है। आज आसिम रियाज को सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उसके लिए। तो गाइस, उनका जो घर है, उनका जो आजू बाजू में, उनका खिड़की से क्या दिखते हैं, बालकनी से बाहर में क्या दिखते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो रेडी होके आप लोगों को मिलता हूँ। रेडी हो चुकी हूँ और यह है मेरा फाइनल लुक, और मैं निकल के जा रही हूँ अभी आशिम रियाज के घर की तरफ। और मैं मेरा जो एंट्री है, जो मेरा लिफ्ट है, उसके सामने से आपको सारा साइड से लुक, उनका बिल्डिंग का पूरा लुक दूंगी, और पूरा बैक साइड, फ्रंट साइड, साइड सब कुछ दूंगी, और उनके आजू बाजू में क्या है सब कुछ लुक दूंगी। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे ब्लॉग पे आपको मेरी जो हिंदी है वो थोड़ा मिक्स मिलेगी, बिकॉज आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम, और मैं हिंदी कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, और इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाती हूँ। अदरवाइज मेरे को असामी क्लियरली आते हैं। तो हिंदी में ब्लॉग बनाने का रीजन एक, मैं सीखती भी हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाती है। तो हिंदी में जो भी थोड़ा भूल चुक है उसको माफ करते हुए प्लीज़ मेरी पूरी ब्लॉग को जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको। मैं निकल चुकी हूँ अपनी यहाँ से। तो ये है व्यूइंग का मेरा जो व्लॉग। तो ये है पार्किंग, और ये पार्किंग स्लॉट से डायरेक्टली अगर मैं निकलूँ तो गाइस, ये है एक साइड व्यू आशिम रियाज की बिल्डिंग। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में उस साइड में जो है वही है आशिम रियाज की। तो ये है हमारा बिल्डिंग था, और ये है आसिम रियाज का बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग से अगर हम लोग ऐसे करके गेट से एंट्री करके अगर हम लोग ऐसे सीधे सीधे जाए तो आपको बीच मिलेंगे, और इस बीच का बैक साइड जो है आसिम रियाज का घर। तो मैं भी दिखाने के लिए जरूर जरूर कोशिश करूँगी आप लोगों को। ये है मेन रोड, और इस तरह से इस रोड पे आने से पहला हमारा बिल्डिंग मिलेगा, और सेकंड में आशिम रियाज की बिल्डिंग मिलेगा। ये उनका बैक साइड का गेट है, मतलब फ्रंट में दो गेट है, ये एक नंबर गेट है और एक दो नंबर गेट है। तो गाइस, ये है आशिम रियाज का गेट, और ये है सन एंड सी अपार्टमेंट। तो ये है सन एंड सी अपार्टमेंट। रोड साइड ऐसे ही बरशोआ मेट्रो से उतरते ही ये रोड पे आपको 1.5 किलोमीटर के अंदर होगा, तो ये आपको बस स्टॉप मिलेंगे। ठीक बस स्टॉप का पीछे ही बिल्डिंग है, बस स्टॉप से आपको बीच पे बस स्टॉप है, पहला एक गेट है, फिर बस स्टॉप का बाद एक गेट है। तो वो गेट से आशिम रियाज हर रोज आना जाना करते हैं गेट है। तो इस गेट पे ये है सन एंड सी अपार्टमेंट, और इस गेट से हर रोज आशिम रियाज अंदर आना जाना करते हैं। तो उनका यह सिक्योरिटीज है, एंट्रीज अलाउड नहीं है, और उसका ये वाला बिल्डिंग छोड़ के दूसरा वाला बिल्डिंग है उस साइड में, लेफ्ट साइड पे थोड़ा आगे जाके वो रहते हैं। तो इसका सनन सी अपार्टमेंट का इधर ही थोड़ा वॉकिंग जाके वो बीच हम पब्लिक जाने के लिए है। तो उनका बगल में ही आपको अगर खाने खाने का बहुत है तो पंछिया दरबार है, ये तो उनके बगल में ही है। और एक साइड से हम उनका घर दिखाएंगे आपको। यह है बरशोआ बीच का एंट्रेंस, इधर से आपको उतर के रिक्शे से उतर के, तो इधर आपको बहुत कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ आप लोग खा सकते हो, तो क्या क्या खा सकते हो दिखाते हैं। तो यहाँ आप खा सकते हो मोमोज वगैरह,
आपको पूरा अंदर एक शायद और शिव रियाज दिखेंगे। और ये मतलब ये एक बिल्डिंग है, क्या नाम, क्या हीरानंदा या हीरानंदा कुछ था, हाँ हीरानंदा कुछ ऐसा बिल्डिंग था। इस बिल्डिंग की इस साइड से भी आपको आशिम रियाज की घर दिखाई देंगे, तो वो है आशिम रियाज की घर, वो ऊपर से सेकंड फ्लोर, और वो जो थोड़ा सा दिख रहे हैं ना आपको, वही है आशिम रियाज का घर। तो फिलहाल तो किसी को दिख नहीं पा रहे, तो ऐसे ही आपको अंदर बीच की तरफ लेके जाती हूँ। तो ये बीच की गेट है, चलो हम बीच के पास देखते हैं। तो बीच पे डॉग्स भी घूमने आते हैं, देखो ये है। तो ये है वर्षोवा बीच, इधर आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो इसको रॉक बीच भी बोला जाता है, और इस रॉक बीच पे आपको सब कुछ मिलेंगे, क्यूट क्यूट डॉग आते हैं। तो इधर आपको पॉपकॉर्न्स मिलेंगे खाने के लिए, कभी भी आए तो आपको बेरीज मिलेंगे, आपको इधर मिलेंगे। तो इसको वो खट्टा वाला मैंगो बोलते हैं, इस मैंगो को आप खट्टा खट्टा खा सकते हो। और इधर आए तो आपको पॉपकॉर्न भी मिलते हैं, भैया से आपको मिलना होगा इधर, भैया आपको जरूर खिलाएगा। तो इधर आपको भुट्टा मिलेंगे, तो ये है आपका भुट्टा, तो भैया के पास मैं हर रोज भुट्टा खाता हूँ। तो शंकर जी, कभी भी आप आओ तो शंकर जी के पास भुट्टा खा सकते हो, इधर गरम गरम, तो गरम गरम भुट्टा खाने के लिए मिलते हैं। और इसी भुट्टा के साथ आपको सेम बैक साइड से आशिम रियाज की बिल्डिंग दिखाई देंगे। तो ये है सनत सिया अपार्टमेंट, और ये बैक साइड है, इससे आपको डायरेक्ट वर्षोवा बीच की बिल्डिंग दिखाई देगी। तो इस बीच पे आपको बहुत सेकंड बीच है, पिकनिक कॉटेज, हाँ। तो इधर आपको पिकनिक पे भी आ सकते हैं, और इधर बहुत लोग होते हैं। तो भैया इधर कितने बजे तक खुला रहते हैं, क्या क्या होता है? तो इधर 11:05 तक, 11:05 तक। तो भैया इधर क्या सबसे मजा क्या आता है? यहाँ पे क्राउड और माहौल तो वो है, बच्चों, हाँ। तो इधर गोला भी मिलता है, तो दिल वाला, दिल जले गोले, क्या है भैया एक बार बोल दो, दिल जले गोला। ओके, सर ने उनका क्या है, मछुआरा, तो बहुत सारा, एक ही इंसान का बहुत सारा नाम हो गया। तो ये है गोला, तो इधर आप गोला खा सकते हो, और इससे आपको वर्षोवा बीच की उस साइड पे कहानियां भी हमारे यहाँ सुना सकते हो, हाँ, दर्द की कहानियां भी भैया को सुना सकते हो। तो ये है आपका बीच का रास्ता, और इधर से आपको इधर गोला वगैरह, उस साइड पे बरशोवा गांव है, इसको जेट्टी बोलते हैं। तो इधर जेट्टी बोलते हैं, और इसको क्रॉस किया तो आपको मडलाइन मिलेंगे। इधर मडलाइन में आपको बहुत सारा सेलिब्रिटी रहती है, तो इन सबको आप उधर मिल सकते हो। तो गाइस बरशोवा आया, खाना खाया तो क्या खाया? तो भैया के पास पेरी पेरी वाला भी कुत्ता है, तो ये बोलने के लिए, खाने के लिए तो सिंपल कुत्ता ही मिलेंगे, और सिंपल कुत्ता 50 रुपीज का। तो हर अलग अलग
आ जाते हैं तो तब तो और अच्छा लगता है। और आपको मैं दिखाऊंगी, ये है जुहू बीच। तो बहुत सारी मूवीज या रियलिटी शो में आप सुना होगा जुहू सफारी, तो ये है जुहू सफारी। और ठीक इस तरफ ऐसे घूम जैसे हमको मिलेंगे मध आइलैंड, ये मध है और इस तरफ है वर्षोवा गाँव। तो इसका बीच पे या अंधेरी वेस्ट पे एक आपको ये लेना, यहाँ शाद नहीं होता है, एक अपार्टमेंट लेना। तो इस वीडियो पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी सीखने के लिए मिला कि लाइफ में अगर सच्चे आप कुछ करना चाह, आपका ड्रीम बिग है, तो ये बहुत आसान है आपको अचीव करने के लिए, जस्ट अपने आप पे फोकस करना चाहिए। तो जो भी हो, यही था आज का मेरी ब्लॉग। और इस पर आप लोगों को क्या मिला सीखने के लिए, इतनी अच्छी जगह पे आजू बाजू इतनी एक्सपेंसिव एरिया पे आशी बिहार ने इतनी अच्छी एक प्लान लिया है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुदा ऊपर वाला आशी को और सक्सेस करे। इसी से आज की ब्लॉग गाइस जैसे कि ख़त्म होते हैं। तो गाइस प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने इसको मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इधर रहने वाली हूँ और ऐसे ही कुछ कुछ दिखाते रहूँगी आप लोगों को।